अपने आप में काला जादू गलत नहीं होता ना उस विद्या का उपयोग कैसे कर रहे हैं वो निर्धारित करता है आपका जीवन ही बदल गया नागा बाबा। जी।, ये अलग अलग है। जी अलग अलग अघोरी जो है वो शिव भक्त होते हैं जिनको एक ही चीज चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए जब नागा साधुओं की आप बात करते हैं तो नागा साधु दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म जब शंकराचार्य सेंचुरी में भ्रमण कर रहे थे कर, तब उनको एक बात समझ में आई थी उनको समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा आपको शास्त्रों के साथ शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए हो उस वक्त उन्होंने इस क्लैन का गठन किया था जिसको आज आप नागा साधु के नाम से जानते हैं। जयकारा लगाते हैं कि धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण धर्म क्या है धर्म को बनाने का जो कारण था वो ये था कि हर इंसान पैटर्न में एक सेट रूल्स और रेगुलेशन में बंधा हुआ चले जिस समय ये पूरी किताबें लिखी गई थी ये पुराण लिखे गए थे हमने हिंदुओं के लिए या सनातनियों के लिए नहीं लिखा था हमने पूरे मानव कल्याण के लिए लिखा था आप गुडीज देके और गिफ्ट देके कन्वर्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत है सनातन मानने वाले और जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोगों को चादर और फादर से थोड़ा बचना चाहिए नहीं तो मैं ये भी समझूंगी कि क्यों ऐसा है कि क्यों इतना डर है घोड़ी बाबा क्यों इतना डर है क्या है ऐसा जो कि मतलब सब कहते हैं अरे यार घोड़ियों के बीच में मत जाओ अरे यार घोड़ी बाबा इससे दूर रहो क्या ये भी कुछ होता है कि ये जो साधना करते हैं तो ये आपकी ऐसी कुछ ऐसा करते हैं प्रोसेस होती है कि आपकी जो दीक्षा है वो ले लेते हैं आप देखिए स्मृति अच्छा और बुरा हर जगह हर चीज में है। हर मौलाना हर पंडित हर फादर अच्छा नहीं होता ना उसमें भी तो एक श्रेणी है जो गलत करते हैं अपने आप में काला जादू गलत नहीं होता ना उस विद्या का उपयोग कैसे कर रहे हैं वो निर्धारित करता है कि काला जादू अच्छा है कि बुरा सिर्फ काला शब्द हो जाने से जादू काला नहीं हो जाता है ना आप अगर उसको किसी के भले के लिए कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो वो ठीक है तो उसमें उसमें वैसे लोग भी हैं और आप आप और हम अभी कलयुग में ना हमको नेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करती है है तो ये मिस्टीरियस लगता है कि वो ओम फट स्वाहा किसी ए? ने बोल दिया और आपका जीवन ही बदल गया ए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ कि इस तरीके की बातों की वजह से ए? उनके प्रति डर घबराहट ज्यादा है लेकिन वो बहुत हार्मलेस लोग होते हैं ए? वो नुकसान नहीं करते गलत तो नहीं पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा आप कभी सांप को जाते देखिए वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है आप उसके पूछ में पाव मारेंगे तो डसेगा ना आप उसके सामने आगे ऐसे ऐसे करेंगे तो फुफकारेगा ना तो वो अपने रास्ते हैं उनको आपसे कोई लेना देना है नहीं उनको आपसे कोई मतलब नहीं आप ही को उनसे मतलब है आप ही वहां घुसते हैं जाके फिर वो भड़क जाते हैं अच्छा अघोरी और नागा बाबा जी ये अलग अलग है जी अलग अलग क्या है उनके बीच देखिये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उनके उनके वेशभूषा दिखने में बहुत हद तक एक जैसे है अघोरी जो है वो शिव भक्त होते हैं जिनको एक ही चीज चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति में लगे हुए और वो ही मैं फिर से ये वर्ड यूज कर रहा मोह माया से परे अध्यात्म की ओर मोह माया से परे तो भगवान के पास पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं जब मैं भगवान बोल रहा हूँ मैं सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं मैं हर भगवान की बात करू आप यहां से निकलेंगे हम अभी जागरण के ऑफिस में है आपका कहीं घर होगा उस घर आपको आपके घर पहुंचने के कई रास्ते होंगे है ना आपको किसी दिन ग्रॉसरी लेके जाना होगा तो आप कोई दूसरे रास्ते से जाएंगे आपको आप किसी दिन लेट हो होंगे तो आप किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे है ना वैसे ही वहां पर, परम परमेश्वर जो बोलते हैं परम ईश्वर वहां पहुंचने के भी बहुत सारे रास्ते हैं उन्होंने एक रास्ता चुना है जो नॉर्मल रास्तों से अलग है जिसमें बैठ के यज्ञ करना आहुति देना है ना बड़े सारे मंत्र उच्चारण करना वो सब करते हैं लेकिन वो वो उस तरीके से नहीं करते हैं जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल है उनका अपना तरीका है जब नागा साधुओं की आप बात करते हैं तो नागा साधु दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्मा जब शंकराचार्य सिक्स सेंचुरी में भ्रमण कर रहे थे भारत का तब उनको एक बात समझ में आई थी बहुत कम उम्र में उनको समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा आपको शास्त्रों के साथ शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए होंगे उस वक्त उन्होंने इस क्लैन का गठन किया था जिसको आज आप नागा साधु के नाम से जानते हैं अच्छा। उनका काम ही है धर्म की रक्षा करना दी दी सोल्जर्स ऑफ ऑफ योर प्रोटेक्टर्स सनातन दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदुत्व इसीलिए वो इधर उधर बिखरे हुए घूमते रहते हैं हर चार साल में कहीं ना कहीं जब अघोरी जमा होते हैं तो वहां नागा साधु भी आते हैं तो वो वो और भी बहुत सारे कारण है लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है कि वो शक्ति प्रदर्शन तो तो आप, आप, में डरते नहीं है ना दे आर दी सोल्जर्स स्टैंडिंग ऑन दी बॉर्डर दीज आर इक्वली सोल्जर्स इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ है ये बहुत कुछ जाने देते छोड़ते हैं नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सारे जीवित और मृत प्रियजनों का पिंडदान करना पड़ता मतलब अगर आज की डेट में मैं चाहूं कि मैं नागा साधु बन जाऊं तो पहले वो मुझसे पिंडदान करवाएंगे मेरे जीवित लोगों का कि पहले आप अपना सब इन लोग से मोह काटिए उसके बाद वो मुझसे मेरा पिंड दान करवाएंगे मैं अपना अंतिम संस्कार करूंगा फिर मुझे एक नया नाम दिया जाएगा तो ये आसान नहीं है सुनने में जितना आसान लग रहा है ये बहुत तकलीफ वाला काम है आप समझ रहे हमारे हमारे आसपास क्या बोला जाता है कोई बोलते 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 कल को मैं नहीं रहूंगा तो बोलते ऐसे नहीं बोलते नहीं। हम उसमें ऑफेंड हो जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं आप जिन लोगों से प्यार करते हैं आप उनका पूरा अंतिम संस्कार करते हैं एक के बाद एक के बाद एक और वो सब क्यों क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं तो अगर आप बॉर्डर में खड़े सोल्जर से नहीं डरते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो कम से कम हर सनातनी को हर हिंदू धर्म मानने वाले को नागा साधु को तो बहुत सम्मान करना चाहिए वो सिर्फ दे रहे हैं उनको कुछ चाहिए नहीं ये है अधूरी और नागा साधु धर्म क्या है जो धर्म का आप कहते हैं प्रोटेक्टर है या धर्म का प्रोटेक्शन होना चाहिए क्या है आपके अकॉर्डिंग देखिए अलग अलग डिसिप्लिनरी सेटअप्स हैं धर्म बिना धर्म के आ, धर्म को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर करने वाले लोग जो करते हैं वो हमको पता है लेकिन धर्म को बनाने का जो कारण था वो ये था कि हर इंसान पैटर्न में एक सेट रूल्स और रेगुलेशन में बंधा हुआ चले क्यों बोला जाता है कि कैनिबलिज्म गलत है नहीं तो आप सोचिए फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रहेगा जानवर का कोई धर्म नहीं होता ना जानवर कब खाता है कब सोता है कब उठता है कब बैठता है उसका कोई रूटीन नहीं लेकिन हमारी बात करेंगे आप तो हर चीज़ का के दिन निर्धारित है कि भाई इस दिन एकादशी होती है इस दिन दिवाली होती है ये इस वजह से होता है इसकी ये मान्यता है उपवास रखना चाहिए धर्म के हिसाब से उपवास रखना चाहिए करेक्ट लेकिन उपवास रखने के कितने फायदे हैं वो तो साइंटिफिकली हमको अब पता चल रहा है पंचामृत हम पीते हैं धर्म के नाम पर लेकिन पंचामृत में जो चीज़ें जुड़ती हैं वो आपके शरीर के लिए कितनी अच्छी हैं वो आपको बाद में पता चलता है धर्म कहता है कि भाई हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए तुलसी उन बड़े चुनिंदा पौधों और पेड़ों में से हैं जो रात को भी ऑक्सीजन ही देती है इसलिए घरों में तुलसी होनी चाहिए yeah. तो हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि आपको वो साइंटिफिक रीजन डायरेक्टली समझाया जाएगा ना तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक समय की मजबूरी रही है जब लोग इतने तर्क वितर्क में एक आम आदमी की बात कर रहा हूं शास्त्रार्थ तो हमेशा से हुआ है yeah. पंडित ही जब रही है तो वो तो हमेशा हमारे ग्रंथों में गलती निकाल के उसको सुधारने का काम कम से कम मैं हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात कर सकता हूँ हमेशा से चला है उस समय जो नॉर्मल लोग थे जो अपना घर चला रहे थे काम कर रहे थे उनको ये समझा पाना बहुत छोटी छोटी बात है कि ये क्यों करना है उसको धर्म में बांध के ही करवाया जा सकता था उन्हीं के भले के लिए जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम अभी भी पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं उस पर मौली बांधते हैं उसकी पूजा करते हैं पानी अर्पित करते हैं होता है ना देखा है आप।, आप पुराने से पुराने गाँव में जाइए जो पहले चार घर का गाँव होता था जो अब चालीस घर का गाँव हो गया या चार घरों का गाँव हो गया उसमें बीच में आपको दो चार पीपल खड़े अभी भी दिख रहे हैं एक बरगद का पेड़ अभी भी, भी बीच में बच गया आसपास के सारे पेड़ कट गए वो क्यों बच गया क्योंकि उसकी पूजा होने लग गई क्योंकि बोल दिया गया कि इसमें भगवान वास करते हैं लेकिन पीपल और बरगद के लिए ये क्यों बोला गया ये इसलिए बोला गया क्योंकि उन लोगों को उस समय के जाहिलों को ये समझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि पीपल और बरगद वो पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं बाकी सारे पेड़ रात को ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो आप सोचिए कि अगर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव होगा जिसमें आप काटते काटते सारे पीपल और सारे बरगद काट देंगे तो रात को आप जिन पेड़ों से घिरे हुए उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ऑक्सीजन कैसे बचेगा तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए उसको डरा के बता दिया गया भूत प्रेत पकड़ लेते हैं पेड़ों के नीचे रात को इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो पेड़ इतना ऑक्सीजन खुद लेगा कि आप सफोकेशन से एक्चुअली मर सकते हैं ये पुराने समय की बात है लेकिन जब आप उसको कहानियों में ढाल देते हैं आप पीपल पे कभी यक्ष बैठा देते हैं आप पीपल पे कोई भगवान का वास करा देते हैं तो उस डर से कि पाप लगेगा वो जाहिर लोग आज तक वो पेड़ नहीं काटे नहीं। लेकिन वो पेड़ नहीं कटने से फायदा किसका है, उन्हीं का है ना उन्हीं को जीवन मिल रहा है और जो पेड़ आपको जीवन दे रहा है आप माता पिता का पैर छू के प्रणाम करते हैं क्यों वो जीवनदायी है ना उन्होंने आपको जीवन दिया है वो पेड़ जो आपको जीवन दे रहा है आप अगर उसकी पूजा कर रहे हैं तो आप कैसे गलत हो गए लेकिन जिसको ये हमने साइंटिफिक पूरे अप्रोचेस और स्टोरीज हम भूल गए हमको अब एक एक लाइन में मालूम है कि पागल लोग हैं ये पेड़ की पूजा कर रहे हैं हर चीज के पीछे क्यों है ज्यादातर क्यों हमको नहीं पता है तो जब आपको जिस भी बात का क्यों नहीं पता रहेगा ना वो आपको आपको बेवकूफी दिखेगी अक्षर धर्म के नाम पे मुझे एक एक और बात याद आई कि अक्सर हम पूजा के बाद हिंदुओं में होता है कि हम जयकारा लगाते हैं कि धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हम कभी ये नहीं कहते इस धर्म की जय हो या विजय हो या इस धर्म की विजय हो हम धर्म की बात करते हैं धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो ये लाइन अगर आप व्यूअर्स को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे देखिए अभी एक बहुत बड़ा डिबेट बार बार चलता है कि हमारे जो गीता है और हमारे जो पुराण है वो हिंदुओं के हैं वो सनातनियों के हैं प्लीज आप ये समझिए और आपके सुनने वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ और ध्यान से सुनो मत सुनो ये पार्ट जरूर ध्यान से सुन लो जिस समय ये पूरी किताबें लिखी गई थी ये पुराण लिखे गए थे ये गीता लिखी गई थी उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता ही नहीं था हम इतने पुराने तो हमने जो लिखा था हमने हिंदुओं के लिए या सनातनियों के लिए नहीं लिखा था हमने पूरे मानव कल्याण के लिए लिखा था वो हर जीते जाते इंसान के लिए लिखी हुई बातें हैं जो अब कन्फाइन होते होते हिंदुओं की किताबें हो गई और इसीलिए हमारी एक किताब नहीं जैसे भाई एक बाइबल है एक कुरान है हमारे लिए भी बोला जाता ना कि समझ ही नहीं आता तुम कोई गीता पढ़ रहा है कोई रामायण पढ़ रहा है कोई दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है तो भाई आपके पास एक एक किताब है हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है लेकिन वो लाइब्रेरी हमने बंद थोड़ी ना की हुई है मैं मक्का मदीना नहीं जा सकता आप तो मंदिर आ सकते हो आपने मुझे रोका है मैं आपके उस स्थल पे नहीं जा सकता मेरी लाइब्रेरी खुली हुई है यार कोई निशुल्क लाइब्रेरी है मेरी आइए पढ़िए क्योंकि वो वो सिर्फ हिंदुओं का भला नहीं कर रहे ना जिस समय ये किताबें लिखी गई थी उस समय तो हर मुस्लिम हर सिख और हर ईसाई सिर्फ इंसान होता था करेक्ट बोल रहा हूँ मैं जी। धर्म भी तो यही है और हर वो शख्स जो अगर धर्म की परिभाषा ये है कि मानव कल्याण मतलब धर्म तो मानव की क्षति जो भी जिस भी वजह से हो रही है वो अधर्म हो गया अब आज की डेट में आप किसी और धर्म को मानने के कारण अगर मानव की क्षति कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए आप अधर्मी हो गए ना तो ये रॉकेट साइंस है नहीं है बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ह्यूमंस का नुकसान करने वाली कोई भी किताब है ह्यूमंस का नुकसान वाला करने वाला कोई भी जानवर है कोई भी वायरस है कोई भी बीमारी है कोई भी समुदाय है तो वो अधर्म है तो इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो धर्म के खिलाफ जो खड़ा है वो अधर्मी है और धर्म ये नहीं है कि ये किताब धर्म नहीं है मानव कल्याण धर्म रूल्स हैं, जिनको अनसेट रूल्स को भी हमें फॉलो करने से मेरी और आपकी चर्चा भी चल रही थी कि हम सब धर्म से बंधे हैं धर्म का मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करें अपनी अपनी मर्यादा से बंधे क्या हम धर्म को मर्यादा बोल सकते धर्म मर्यादा के बिना वैसे ही है जैसे कि हम एक कुर्ता पहने उसमें एक आस्तीन हो और एक स्लीव हो और दूसरा स्लीव ना हो वो फैशन हो सकता है वो वो कंप्लीशन तो नहीं हो सकता तो बिना मर्यादा के कोई भी धर्म और मर्यादा के अंतर्गत अलग अलग समुदाय में अलग अलग, अलग, अलग चीज़ें पांच चीजें जो सिख फॉलो करते हैं वो उनकी मर्यादा का हिस्सा है है ना बुरखा जो आ, मुस्लिम महिलाएं पहनती है वो उनकी मर्यादा का हिस्सा है है ना वैसे ही हमारी मर्यादा है कि भाई पहले की महिलाएं घूंघट रखती थी पहले के ये जो रामायण को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कहा जाता है कि लक्ष्मण ने आजीवन कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा पैर देख के वो सिर्फ पैर देख के पहचानते थे पैर देख के ही बात करते थे तो वो हमारी मर्यादा है और उनके पति सीता के पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले गए थे कि वो मर्यादा के अंतर्गत ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया इसलिए वो साधारण मानव भगवान राम बने और वो साधारण मानव क्यों थे वो थे विष्णु अवतार लेकिन उस मानव को ये नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार है क्यों नहीं पता था उनको इसलिए ये नहीं पता हो सकता था क्योंकि रावण ने जो अपने लिए जो वरदान लिया था उसमें बोला था कि मुझे ये कोई कोई अस्त्र नहीं मार सकता कोई शस्त्र नहीं मार सकता कोई देव नहीं मार सकता कोई गंधर्व नहीं मार सकता ये नहीं मार सकता वो नहीं मार सकता तो ब्रह्मा ने बोला कि और इंसान तुमने ये सब मांग लिया तुमने इंसान की श्रेणी डाले नहीं। तो उसने बोला था वो तुच्छ मानव मुझे क्या मारेंगे तो ये मजबूरी थी कि विष्णु राम के अवतार में आए तुच्छ मानव बन के लेकिन एक राम को अगर पता है कि मैं विष्णु अवतार हूं तो फिर वो तुच्छ नहीं रह जाएगा तो वो मानव तुच्छ बन के आया अपने पिता के एक वचन के लिए अपना राज्य छोड़ दिया अपनी पत्नी के लिए वो सात समंदर पार करके जाके इतने बड़े राक्षस को हराया इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना ना कि इसलिए कि वो विष्णु अवतार थे तो मर्यादा तो मर्यादा के बिना चली नहीं अब हमारे में एक बात है ना अब लोग नहीं फॉलो करते हैं पर हम आते तो पीछे ही है।, है ना अगर आपके Uh, नहीं है तो फिर आपके सक्सेस नहीं हो सकते और आप नहीं हो सकते तो आपका प्रेजेंट जो है वो पास्ट से कनेक्टेड ही रहेगा और आपका प्रेजेंट फ्यूचर से कनेक्टेड रहेगा और क्योंकि आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से कनेक्टेड है इसलिए फ्यूचर और पास्ट हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाए आप रहेंगे वही आँख बंद कर लेने से अंधेरा होता रात नहीं होती तो पहले ये होता था कि एक महिला घर में घूंघट डालती थी उसके पति के सामने उसके पिता आते थे तो भी वो घूंघट डालती थी और उसके पिता के सामने उसके पति आते तो भी घूंघट डालती थी लेकिन जब ये दोनों से ये अलग अलग मिलती थी तो उसको घूंघट की जरूरत नहीं पड़ती इसी को मैथ्स में सिखाया गया कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है आप अपने पति के साथ भी प्लस हैं आप अपने पिता के साथ भी प्लस हैं लेकिन जब वो दोनों एक साथ आके खड़े हो जाते हैं तो आपकी मर्यादा आपको ये बताती है कि आपको घूंघट कर लेना चाहिए क्योंकि आप अपने पति के सामने अपने पिता को और खास करके अपने पिता के सामने अपने पति को उस प्रेम से नहीं देखना चाहेंगे वो मर्यादा है एक बेटी का एक पिता के सामने कि वो पति को टच भी नहीं करेगी कम से कम उस वक्त तो मर्यादा में होने में कोई नुकसान नहीं अक्षत एक और बात जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर एक चीज जो महसूस करी गई है क्योंकि आपने कहा कि हिंदू धर्म भाई सबसे पुराना धर्म है अनंत काल हम इसको ये नहीं कह सकते आर्यंस द्रविड़ियंस मगर एक ऐसा धर्म है जो बहुत पुराना है अनादिकाल से है तो जो एक आ, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज़ से कि आ, एक कन्वर्जन की प्रोसेस होती है हर धर्म में एक कन्वर्जन की प्रोसेस होती है चाहे मैं इस्लाम की बात करूं चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करूं क्योंकि ये प्रीच करके कन्वर्जन किया का ये रहता है हिंदू धर्म में कन्वर्जन

हमारे में ना दो चीजें नहीं है आप बताइए कि डिवोर्स और तलाक का हिंदी शब्द क्या है <laughs> है ही नहीं yeah. क्योंकि हमारा मानना होता है कि वो वो जीवन पर्यंत तो चलता ही है yeah. वो सात जन्मों तक चलता है yeah. तो हमारी पूरी पद्धति में डिवोर्स का कोई प्रोसेस ही नहीं है लिखा ही नहीं yeah. और हमारे में कन्वर्जन का इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमने कभी उस समय कभी सोचा ही नहीं कि आने वाला वक्त ऐसा हो जाएगा कि ये भी एक टैक्टिक होगा कि भाई आज से आप ये गए और आज से आप हो गए क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि हिंदू कुछ नहीं होता सनातनी होता है सनातनी कौन होते हैं जो एक तयशुदा तरीके से अपना जीवन व्यापन करते तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इस्लामिक हो जाता है तो वो वेज खाना छोड़ ही देता है नहीं। कि नहीं मैं तो सिर्फ रोटी चावल दाल तो वो भी खाता है आप कोई भी बन जाए आपको वो वो सब ब्रैकेट में अलग से होगा सनातनी तो आपको रहना ही पड़ेगा क्योंकि सनातनी वे ऑफ लाइफ वे ऑफ लाइफ के बाद आप आप अपना अपनी वेशभूषा अलग कर सकते हैं अपनी दाढ़ी अलग कर सकते हैं अपने बाल बढ़ा सकते हैं पूरे बाल उड़ा सकते हैं, हैं कपड़े पहन सकते हैं कपड़े नहीं पहन सकते हैं लेकिन आप सनातन ही तो नहीं इसलिए हमारे पास कोई ऐसा और ना हमको उस प्रोसेस की ना आज जरूरत है ना कल थी और ना आने वाले समय में कभी पड़ेगी हाँ ये सब जो निकले हैं कहाँ से निकले यहीं से निकले हैं ना कन्वर्जन उनको कराना पड़ रहा है जिनको लग रहा है कि हम हमारे पास तादाद नहीं है इनको भी ले और कर लें हम उनको भी समझा के ले लें तो एक चीज़ ज़रूर है जो सनातन मानने वाले और जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूंगा कि हम लोगों को चादर और फादर से थोड़ा बचना चाहिए आप जैसे पैदा हुए हैं आप वैसे ही जाइए इस दुनिया से कोई कारण होगा कि आपके माता पिता और आपके पूर्वज ये थे और फादर का मतलब सिर्फ क्रिश्चियनिटी क्योंकि मिशनरीज भाई जिस रोज मुझे लगे मैं आपको मैंने आपको बताया पत्थर साहब गुरुद्वारे में गया मेरे को वहां आस्था जागी मेरा जिस दिन मन करेगा मैं मैं बन जाऊंगा सिख पर अगर कोई मुझे समझाएगा ना कि इस, इस वजह से तुम मुस्लिम बन जाओ या क्रिश्चियन बन जाओ या सिख बन जाओ तो मैं मेरे को आप मुझे कन्विंस क्यों कर रहे हो जिस रोज मुझे मेरे मन से निकलेगा मैं हो जाऊँ तो सबको अपना अपना तरीका खुद से फॉलो करने का ये ये पूरा सिस्टम ही गलत है कन्वर्जन का लेट मी डिसाइड हु डू आई विश टू बी अच्छा एक जो लेटेस्ट कुछ स्टडीज निकली हैं उसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात आई है कि अफ्रीका में जी काफी लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं हाँ ये सच है तो हम लोग तो सबसे नेटिव जो लोग रहे हैं और उनके कल्चर उनका कल्चर अभी भी बड़ा समृद्ध है आप अभी जो इसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि एक दो अजीब से डांस करते हुए कबीलाई दिख जाते हैं हम लोग को रील्स वील्स में और कुछ छोटे छोटे बच्चों का आप रील देखेंगे ब्लैक बॉयज कमाल का डांस कर रहे हैं क्या डांस करते हैं वो वो उन लोगों का उनके कल्चर का हिस्सा है तो अच्छी बात है अगर वो घट रहे हैं और उनको लगता है कि हमसे कुछ ले सकते हैं पर उनको कोई कन्वर्ट करने गया नहीं है वहाँ जूलिया रॉबर्ट्स बराक ओबामा बहुत सारे बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदुत्व अपना लिया वो रोज पूजा कर रहे हैं और उनमें हमारे साइड से कोई गया नहीं कि सुनो आप उनके मन में की आस्था जागी तो हो गए तो वो जो खुद हो रहा है वो ठीक है खींच खींच के करना है अच्छा जैसे कि अब आज के हम प्रेजेंट युवा की बात करें तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है कि जो हमको मिला है एक लेगेसी मिली है मैं कोई पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं धर्म की बात कर रही करूं एक लेगेसी मिली है उसको सही सलामत आगे जनरेशन को देना उसकी इम्पोर्टेंस को समझना या समझाना इस वक्त कितनी बड़ी जिम्मेदारी है समझना और समझाना दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन आप आप गुडीज दे और गिफ्ट दे कन्वर्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत है आप आप अपने बारे में बात कीजिए ना मैं बोलूंगा मैं कौन हूँ मैं बोलूंगा कि मेरी पद्धति पूजा पद्धति क्या है मैं ईश्वर तक पहुंचने का कौन सा रास्ता ले रहा हूँ पर मैं आपको ये ना बताऊं कि सुनो मैं जो कर रहा हूँ तुम वो करो और आप मुझे ये ना बताएं कि सुनो मैं जो कर रही हूँ वो तुम करो है ना तो ये अब बौद्ध जैन सिख ये सब खुद भी तो मानते हैं ना कि हम हिंदू धर्म से ही निकले हुए लोग हैं तो हमको परेशानी नहीं है कि आप किस पद्धति से क्या कर रहे हैं? लेकिन आप जो भी कर रहे हैं कहानियों में भी उड़ता पेड़ नहीं दिखेगा उसका कारण यह है कि ये बहुत लॉजिकलेस बात है इसीलिए आज इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने वाले भी ये इसको नहीं छेड़ते कि पेड़ तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है यू नीड टू बी रूटेड विद योर कल्चर इफ यू वॉन्ट योर कल्चर टू नॉट अ डाई एग्जिस्ट तो हम कर लेंगे hmm. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लरिश करें hmm. तो आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है hmm. तो बिल्कुल आपको आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि आप कौन है hmm. न, आ, नाम आपकी पहचान नहीं है हालांकि hmm. अब तो हम वो भी गलत ही ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी पद्धति का, का अपना नाम बताने का तरीका है वो ये नहीं है कि आय माइने नेव इज अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता मेरे पिता का नाम अजय है तो ये ये गलत तरीका है हम वहां से आते हैं जहाँ पे एक, एक लड़का एक पुरुष जब पैदा होता है तो वो कहलाता है देवकी नंदन अंजनी पुत्र है ना यशोदा नंदन वही लोग जब शादी कर लेते हैं तो फिर वो अपनी पत्नियों के नाम से जाना जा, जाते हैं गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण सिया राम राधेश्याम तो पुरुष आपने कभी स्वयं वधु सुना है नहीं, नहीं। सुना है। आपने स्वयं वर वर सुना ना? सुना है। नहीं। तो हमारी पद्धति में महिलाओं को इतना ऊपर रखा गया है कि एक पुरुष पैदा होने से लेकर मरते तक एक महिला के नाम से जाना जाएगा शादी के पहले अपनी माँ के नाम से जाना जाएगा शादी के बाद अपनी पत्नी के नाम से जाना जाएगा और एक महिला चुनेगी कि उसका पुरुष कौन है तो हमारी पद्धति का हिस्सा सन ऑफ मेल वेस्टर्न कल्चर ये मेरी बीवी है दैट कम्स फ्रॉम अदर कल्चर वो मेरी बीवी नहीं हो सकती है भाई आपने मैंने ये पानी की बोतल चूज की नहीं। खरीदी नहीं बोल रहा हूं मैंने ये पानी की बोतल चूज की तो ये पानी का बॉटल मेरा हो गया या मैं इस पानी के बॉटल का हो गया ये पानी का बॉटल मेरा हो गया ना तो स्वयं अगर किसी महिला ने एक पुरुष को चूज किया है तो वो पुरुष उसका हो गया कि वो उस पुरुष की हो गई बहुत बड़ा फर्क है है ना तो ये पानी की बॉटल अगर मैंने चूज की है तो ये पानी का बॉटल मेरा हुआ वैसे ही स्वयं वर में अगर एक महिला ने एक पुरुष को चुना है तो वो पुरुष उसका हुआ है ना कि वो उस पुरुष की जागीर हो गई जी। तो हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं लेकिन अच्छी बात है धीरे धीरे वापस आ रहे हैं तो यही है फर्क हमारे कल्चर में और बाकियों कल्चर में तो बाकियों के कल्चर में आप सब सीखिए इंग्लिश में बोले कि हाय माय नेम इज रॉबर्ट सन ऑफ डाउन इंजूनियर आप बोले कि हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं लेकिन फिर जब आप अपना परिचय दे तो आप उनसे इन्फ्लुंस होकर अपना परिचय ना दे आप बहुत बेबाकी से और बड़े गर्व से कहें कि मेरा नाम अक्षत है और मैं उर्मिला पुत्र अक्षत हूँ तो शायद दस में से एक जाके वहाँ वो करेगा जो आप कर रहे हैं क्यों नहीं हो सकता अक्षत आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि आपकी लाइफ में बहुत अपसेंट एंड डाउन है जी 2014 का जो आपका अनुभव रहा है वो कई मंचों पर आपने साझा किया है शेयर किया है और अभी जब आपसे बात भी हो रही थी तो आपने कहा था कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं वो जो फेस ऑफ है डेथ से वो ब्रशिंग हो चुकी है मेरी कई बार कई प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि आप एक चोजन वन हैं किसी काम <laughs> किसी पर्पस के लिए आपको लगता है आपकी लाइफ है अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हुई हैं तो कभी-कभी मन में आप इंट्रोस्पेक्ट करते होंगे तो ऐसा लगता होगा वो क्या होता है ना कि जैसे अभी हम नाग साधुओं की बात कर रहे थे हम तो जब जो सब सारे मोह से अलग चला जाता है ना तो फिर उसको एक पर्पस मिल जाता है तो हाँ मैं दो में मैं अब मैं पूरी कोशिश बहुत शिद्दत से मैंने कोशिश की थी कि मेरा जीवन खत्म हो जाए पर तो मैं बच गया तो हाँ मुझे ये मैं, चोजन वन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ, बाद में जब बैठ कर स्पेकुलेट किया कि भाई मैं पूरी ईमानदारी से मैंने कोशिश की थी मर जाने की उसके बाद में बच गया तो भगवान ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया पहले तो मैं अपने आप को कोस रहा था कि इतना बुरा व्यक्ति हूँ मैं कि भगवान भी बोलता कि नीचे तू फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार शायद आप आप हर दिन ऑफिस आते हैं आप घर से निकलते हैं उस दिन आपको घर से निकलते वक्त से पता होता है कि आज ऑफिस में ये मेरा टू डू लिस्ट है मेरे को ये सब निपटाना है आज घर लौटने के पहले तो फिर टाइम मेरे को समझ में आया कि वो मेरी जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं अभी बैठा हुआ अभी मैं घर लौट नहीं पा रहा तो ये जो वर्ड है ना आत्मा और परमात्मा वाली बात है। तो परमात्मा अगर सन को आप परमात्मा बोल रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन लाइट आप इतनी सी लाइट है बल्ब जितनी लाइट और एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो ये जो आत्मा है बल्ब की जो रोशनी है वो तब तक भटकती रहेगी जब तक वो सन की रोशनी परमात्मा में जब आप विलीन हो जाते हैं तो आप परमात्मा का अंश हो जाते हैं तब तक आप परम को हटा के आत्मा रहते हैं हर कोई परमात्मा बनेगा मुझे द चोजन वन जैसी कोई फीलिंग अभी आनी शुरू नहीं, नहीं। हुई है मैं आत्मा ही हूँ पर मेरा कुछ पर्पज़ होगा इसलिए बचा हुआ और अब शायद यही है पर्पज की द हिडन हिंदू लिखना था उस पर बहुत सारी बातें करनी थी तो जब मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की और मैं बच गया उसके बाद से मैं थोड़ा बेबाक सा हूँ अपने आप को लेके तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी मील दैट आई ईट एंड एवरी न्यू पर्सन दैट आई मीट इज बोनस तो मुझे अब उस चीज का डर नहीं है कि, आप देखा है ना पास से कि, क्या है हुँ. और ये तो सबसे बड़ा सत्य है कि जाना सबको है हुँ. तो वो कहते हैं कि मौत बेवजह ही बदनाम है हुँ. तकलीफ तो जिंदगी देखी <laughs> तो मुझे उसका डर नहीं है जे. और एक चीज ये हो गई कि मुझे आप ट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो जिस बात पे आप मुझे ट्रोल करेंगे मैं वो और ज्यादा करने लगूंगा अगले तो अब उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता अक्षत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आ, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर आ, मुझे भी जानकारी नहीं थी तो इस इंटरव्यू के दौरान उन विषयों पे उन टॉपिक्स पे भी आ, मुझे बहुत जानकारी मिली और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत जानकारियाँ ऐसी नई जो होते हैं ना जानकारियाँ है मिली होंगी और हम चाहेंगे कि आप अभी और अच्छा काम करें और काम करें आपकी और किताबें आपकी फिल्में आने वाली हैं जो आप स्क्रीन राइटिंग कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं कहानियाँ आपको उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे एक और बात जोड़ने है आपके जी, दर्शकों के बहुत सारे लोगों में से आप लोगों ने द हिडन हिंदू पढ़ी होगी जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उसका एक छोटा सा लाइनअप आपको आज पता चल गया कई लोग मुझसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी अगली बुक कब और कहाँ आ रही है तो मेरी अगली किताब फेबर में रिलीज हो रही है उसका नाम है अभी हम नागा साधु और अघोरियों पे बात कर रहे थे तो उस किताब का नाम है द नागा वॉरियर्स ना वो दो पार्ट पार्ट में में है है उसका पहला पार्ट अभी में रिलीज हो रहा है। और दूसरा पार्ट सितंबर अक्टूबर में तो जितना प्यार आप लोगों ने द हिडन हिंदू को दिया है उतना ही प्यार इस किताब को भी दीजिएगा मैंने पहले भी आप लोगों को बोर नहीं किया मैं आगे भी आप लोग को बोर नहीं करूँ थैंक यू सो मच अक्षय फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार